अजून आहे का असे? झालं यूसीसी सर, इसके बारे में बता दीजिए, जो विधेयक पास हुआ उत्तराखंड में, किस रणनीति के तहत बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में लेके आई है, क्या बीजेपी की मंशा है कि पूरे भारतवर्ष में किसी तरीके का बिल पास किया जाए? भारतीय जनता पार्टी की मंशा एक ही है कि वो जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जाए, अपनी नाकामियों से ध्यान हटाया जाए। जब नाकामी पर लोग जिक्र ना करें, चर्चा ना करें, बेरोजगारी की चर्चा ना हो, महंगाई की चर्चा ना हो, जो वायदे किए थे, जो बड़ी बड़ी बातें की थी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में और उससे पहले, उन पर चर्चा ना हो, इसलिए वो कुछ भी कोशिश करके, किसी भी तरह कोशिश करके लोगों का ध्यान एक मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे से हटाकर तीसरे मुद्दे पर, तीसरे मुद्दे से हटाकर चौथे मुद्दे पर ले जाते हैं। इनकी मंशा लोगों की भलाई करने की नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ लोगों को अंदर भेदभाव पैदा करना, उनको बांटने की है। आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लगभग 20 शहरों में, 20 जगह जय जवान जो अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है, उस पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हम देश का ध्यान, देश की जनता का ध्यान उन 1.5 लाख युवाओं की तरफ लाना चाहते हैं जिन्हें इस सरकार ने अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद, जिनका उससे पहले जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जिनका डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में सिलेक्शन हो चुका था, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, लेकिन क्योंकि अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम लाई गई, उन युवाओं को उस प्रोसेस के बावजूद उनको नौकरियां नहीं दी गई और वो आज पिछले 2 साल से लगातार वो आंदोलनरत हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस मुहिम को अपना समर्थन देती है, हम उन युवाओं के साथ हैं। हमें लगता है कि उन युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, उन पर अत्याचार हुआ है, और उनका जो हक था देश सेवा करने की, जो उनकी मंशा थी, जो उनकी इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने तैयारी की थी, जिन्होंने जिसके लिए उन्होंने टेस्ट पास किए थे, बहुत ही ग्रूलिंग टेस्ट होते हैं, उनको टेस्ट को पास करने के बाद जब उनको सिलेक्शन हुआ, उनको उनको देश सेवा करने से महरूम किया गया, उनको देश सेवा करने का मौका नहीं दिया गया। हम इसका अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से इसका विरोध प्रकट करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि उन सब युवाओं को जिनका सिलेक्शन हुआ था, जो डिफरेंट प्रोसेसेस में थे, उनको सबको, 1.5 लाख युवा हैं ऐसे लगभग पूरे देश में, हजारों लोग महाराष्ट्र के भी होंगे, तो उन उस मुद्दे को ध्यान में रखने के लिए, उसको मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए हमने आज पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन युवाओं को वापस नौकरी में लिया जाए, उनको नौकरियां दी जाएं ताकि वो देश की सेवा कर सकें, सेना में भर्ती हो सकें। इस अभियान के अंतर्गत हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली तो 1.5 लाख युवा जो जिनका सिलेक्शन हो गया था, उनको वापस नौकरी दी जाए, उनको नौकरी में भर्ती मिले। दूसरी, सैन्य बलों के लिए जो पिछली भर्ती प्रणाली थी, जो अग्निपथ के बाद जिसको रोक दिया गया, उसको बहाल किया जाए
और उसको वापस किया जाए, और जो अग्निवीर अभी सेवारत हैं उनको भी पुरानी स्कीम के अंतर्गत पुरानी स्कीम के भांति ही सारी फैसिलिटीज मिलें और उनको वही उसी तरह उन्हीं सैनिकों के समान समझा जाए जिनको जो पहले होते थे। इस मुद्दे पर 28 फरवरी तक, जो 1 फरवरी से शुरू हुआ, 28 फरवरी तक 30 लाख परिवारों तक हम सघन जनसंपर्क अभियान है, जिसके अंतर्गत जितने भी रक्षा परिवार हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन फैमिलीज हैं, चाहे वो किसी सैनिक का परिवार है या वो कोई तैयारी कर रहे थे, या जो 1.5 लाख लोग ये परिवार थे, उनके पास हम पहुंचेंगे और उनसे हम न्याय पत्र उनको वितरित करेंगे। उसके बाद सत्याग्रह होगा 5 मार्च से 10 मार्च के बीच में, जिसमें हर शहर में धरना दिया जाएगा। और उसके बाद मैं इसका डिटेल प्रेस नोट आपको भेज दूंगा। उसके बाद हर जिले में 50 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, न्याय यात्रा होगी, जिसमें उन युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए 50 किलोमीटर हमारे पार्टी के नेता, न्याय योद्धाओं के नेतृत्व में ये चलेगी और वो हम पूरे देश में चलेंगे। इस पे कोई भी युवा, देश का कोई भी युवा इस अभियान से जुड़ सकता है। अभियान से जुड़ने के लिए उनको 9999812024 इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। जैसे आप मिस कॉल देंगे, आप इस अभियान से जुड़ जाएंगे और आपको ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, jawan.in से। तो इस प्रकार ये जो आपको याद होगा कि एक मनोज नरवणे जी की, जो पूर्व सेना प्रमुख हैं, उनकी किताब भी आई थी जिसमें उन्होंने खुलासा किया था, बहुत बड़ा खुलासा किया था, कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर जो स्कीम है, ये सेना से बिना बताए आई, एकदम डाल दी गई। और पहले इसमें रिटेंशन जो होना था 3/4 होना था, 75% लोगों को रिटेंशन करना था, बाद में इन्होंने सिर्फ 25% को रिटेंशन रखा। पहले सिर्फ आर्मी पे ये लागू होनी थी, बाद में नेवी में भी लागू कर दी गई, एयरफोर्स में भी लागू कर दी गई। तो इस प्रकार से जो मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बात करते हैं देश की, सोचते हैं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए, अपने दो मित्रों के लिए और खुद के लिए। पूरी जो इनकी नीति है, सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस ये है कि मुझे कैसे फायदा हो, मुझे राजनीतिक लाभ कैसे हो, मैं अपने दोस्तों को, जो अपने मित्र हैं, जो साझेदार हैं, उनका कैसे आर्थिक लाभ पहुंचा पाऊं। इस मुद्दे पर आपके जो भी प्रश्न होंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूरे देश में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, जो मणिपुर से शुरू हुई थी और मुंबई में पूरी होगी। हर रोज, हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा उत्साहवर्धक सपोर्ट लोगों का मिल रहा है, और हमें लगता है कि ये यात्रा पूरे देश की राजनीति में एक बदलावपूर्ण क्षण होगा।